वेलकम टू माय चैनल चटपटी चटोरी रसोई फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है ये आपके खाने के टेस्ट को दस गुना ज्यादा बढ़ा देगी जी हाँ दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट फ्राइन मिर्ची अचार जो बहुत इंस्टेंटली बन जाता है और टेस्ट में तो इतना यम्मी टेस्टी और डिलीशियस होता है ना कि क्या कहने तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट फ्राई मिर्ची अचार खाने में अगर अचार पापड़ या सलाद ना हो ना तो खाना बड़ा फीका फीका सा लगता है इसी फीके खाने को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ले लेकर आई हूँ इंस्टेंट फ्राई मिर्ची अचार की रेसिपी फ्रेंड्स ये इतना इंस्टेंट है कि दस मिनट में बन जाता है और टेस्ट में बहुत यम्मी और डिलीशियस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर 250 फिफ्टी ग्राम्स ग्रीन चिलीज़ ली हैं इस तरह की ये देखिए 250 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं आप चाहें तो मोटी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है कुछ सूखे मसाले लिए हैं इसमें मैंने डेढ़ चम्मच वन एंड हाफ़ टी स्पून जो लिया है सॉल्ट हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन एंड हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर टू टी स्पून रोस्टेड बेसन ग्राम फ्लोर हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर टू टेबल स्पून करियडर पाउडर धनिया पाउडर वन टीस्पून अजवाइन मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है सबसे पहले जो है हम किसी शार्प नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से मिर्चों के बीच में इस तरह से स्लिट करते हुए उसे खोल लेंगे ये देखिए इस तरह से मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बीच में से कट करते हुए इस तरह से हम इसे खोल लेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने सभी मिर्चों को ऑलरेडी कट कर लिया है सभी मिर्चों को हम जो है बीच में से कट कर लेंगे और इस तरह से खोल लेंगे ये देखिए इस तरह से अब हम एक बाउल लेंगे बाउल में सभी सूखे मसालों को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स मैंने इन मसालों के अलावा यहाँ पर वन टीस्पून जो है मीठी सौंफ़ जो मीठी सौंफ होती है उसे तवे पर भून कर बारीक पीस लिया है वो भी ऐड किया है मीठी सौंफ से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा अब हम इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल फोर टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल मैं अभी डाल रही हूँ ये देखिए ऑयल डालने के बाद इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे से जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे दबाव दे देकर इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे मिक्स कीजिए ताकि हमने जो ऑयल डाला है वो सभी मसाले अच्छे से सोख कर लें स्टेज पर मैं यहाँ पर वन टीस्पून स्पून वन टेबल स्पून जो है ऑयल और ऐड कर रही हूँ उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है अब हम जो है मिर्चों को इस तरह से बीच से खोलते हुए उसमें ये स्टफ़िंग ऐड करेंगे ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करके इसे हम अलग रख देंगे मैं आपको एक और दिखाती हूँ ये देखिए इस तरह से मिर्चों को बीच में से खोलते हुए उसमें स्टफिंग को ऐड करेंगे इस तरह से मैंने सभी मिर्चें जो हैं बिल्कुल रेडी कर ली हैं ये देखिए सभी मिर्चों में जो है स्टफिंग मैंने भर ली है अब हम एक पैन लेंगे उसमें टू टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड करेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें वन टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छी होती है अब हम यहाँ पर जो है अपनी मिर्चों को ऐड कर देंगे इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सभी मिर्चें जो हैं हम ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से स्टर करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे ये देखिए इस तरह से इस तरह से लगातार एक से दो मिनट इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसे पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे पाँच मिनट हो गई हैं ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे जो है अच्छे से हल्के हाथ से जो है मिक्स करेंगे और इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे ये देखिए अब इसे दो से तीन मिनट और पकाएंगे दो से तीन मिनट के बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारी जो मिर्ची हैं वो बिल्कुल रेडी हैं ये बहुत इंस्टेंटली बन जाती हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी है हमारा इंस्टेंट फ्राइंग मिर्ची अचार स्टेज पे हम जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये देखिए दोस्तों हमारी जो है इंस्टेंट फ्राइंग मिर्ची बिल्कुल रेडी है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा